इधर फिरोजाबाद में लोगों की रक्षा करने वाली पुलिस अब सुरक्षित नहीं है। सिरसागंज थाना क्षेत्र में दो भाइयों का विवाद सुलझाने गई पीआरवी पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया है। घायल को सिरसागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं हमले में पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। फिलहाल पुलिस ने हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज मॉर्निंग में लगभग 8:30 के आसपास थाना सिरसागंज के हृदयमयी गांव से दो भाइयों के झगड़े की सूचना मिली थी। उसमें एक भाई ने डायल 112 पे कॉल किया था और उसके बाद हमारी जो पीआरबी की 660 पीआरबी है वहां गई थी मौके पर। मौके पर जाने के बाद दोनों के बीच में विवाद था। उस दोनों व्यक्ति को लेकर के थाने आने का जब प्रयास कर रही थी, उसी समय जिसके ऊपर आरोप था, जो आरोपी था उसने पुलिस के साथ बदतमीजी की। वो और उसकी मां ने मिलकर डंडों से पुलिस के ऊपर अटैक किया और हमारी जो बीआरबी थी उसको भी क्षतिग्रस्त किया है। इसमें तत्काल बाकी सूचना पर हमारे एसएचओ सिरसागंज बाकी अन्य टीम वहाँ गई और उसके बाद हम लोगों ने जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसकी जो माँ थी उसको भी अरेस्ट किया है और इसमें उचित धाराओं